तो फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला है, लखावटी के कैप्टन है अंकित कुमार और रवि है एसटी एकेडमी देहरादून के कैप्टन। टॉस जीता है अंकित ने और चूज किया है कोर्ट, मतलब पहली रेड देखने को मिलेगी एसटी एकेडमी की तरफ से। बेहतरीन मुकाबला, जबरदस्त गेम देखने को मिलेगा भाई। इधर है एसटी एकेडमी की टीम। गेम स्टार्ट, पहली रेड 11 नंबर के साथ भाई, मुकाबला स्टार्ट हो चला है। फर्स्ट सेमीफाइनल का मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। एसडी एकेडमी वर्सेस लखावटी के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। प्रदर्शन की बात की जाए तो बेहतरीन प्रदर्शन किया है दोनों ही टीमों ने अभी तक। क्या बेहतरीन प्रदर्शन है, और टू टच किया है और पॉइंट मिलता हुआ, खाता खुलता हुआ एसडी एकेडमी देहरादून का। और जो का तीर निशाने पर कई हजार साल पहले भी लगा था, जब द्रौपदी को लाए थे अपने घर में। रॉबिन क्या पैर लगा है, एक दो या तीन, रेफरी का निर्णय देख रहा हूं। फैसला आना बाकी है, और दो पॉइंट यहाँ पर लिखा है टीम, दो पॉइंट दो। ऋतिक खाता दोनों ही टीमों को खुल चुका है पहली पहली रेड, मतलब रेड कामयाब होते हुए दोनों के। और इसमें बढ़िया समय पर समाप्त होगा कि आपको सोने का भी मौका मिलेगा। उधर नहीं तो मैं कई टूर्नामेंट करके आया हूँ, अभी बिजनौर में था, नौरपुर में, वहां पर पूरी रात लगने के बाद सुबह 10 बजे फाइनल हुआ, पूरी रात जागने के बाद। बच्चू 8 नंबर खिलाड़ी, तो यहाँ पर 4 बजे के करीब का हमने निर्धारित समय दिया था, वो समय लगभग पूरा होगा जरूर, तो उसके करीब हो जाएंगे। और दूसरे सेमीफाइनल तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ने की वैसे, पर फिर भी मैं एहतियातन कह रहा हूँ बीके अकेडमी और बिजनौर दोनों टीमें तैयार है। बिल्कुल, ये कौन सी स्किल थी भाई, चलते हुए राइडर पर प्रयास किया था लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक और पॉइंट लखावटी की तरफ। स्कोर की बात की जाए तो 3-1 स्कोर। ये बढ़ाना चाहे कई किलोमीटर आगे चलने के बाद एक गांव बबीसा है, वहां से बिलोंग करते हैं। अरे तक बेहतरीन खिलाड़ी है भाई, आठ नंबर खिलाड़ी बच्चू भाई, प्रदर्शन बेहतरीन किया है बच्चू ने। चार के डिफेंस में फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला, पुलहेड़ी कबड्डी टूर्नामेंट चौथावल मुजफ्फरनगर का, लखावटी वर्सेस एसडी एकेडमी देहरादून। थर्ड रेड और ऋतिक एक्शन में। अगर ये दो लेके जाते हैं तो सामने पे स्वागत होगा और स्कोर बराबर हो जाएगा, एक लेके जाते हैं तो दो हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं लेके जाते तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, फिर सामने वाली टीम और भी ज्यादा आगे निकल जाएगी। ललित लगातार ये काम करते हैं और जब काम करते हैं तो दोनों थाई भर जाते हैं, और बिल्कुल वही काम करते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं सुपर टैकल ऑन। पास भी स्वर्णिम अवसर है 15,000 पक्के करने का, और इनके 4-1 स्कोर, 15,000 पक्के करने का मौका है। 31,000 तो जब होंगे जब आखिरी मैच जीतेंगे टूर्नामेंट का, लेकिन इस मैच की जीत कम से कम 15,000 पक्के करवा देंगे। लेकिन ये बातें हैं कि फाइनल बहुत ही खतरनाक होगा। विपिन को पॉक लाइन पर क्रॉस करने दे रहे हैं, लेकिन अंकित ने एंकल पर हाथ डाला था और पॉइंट। इधर भी डू हटाई रहे, 4 का डिफेंस, स्कोर 4-2 फेवरेट लखावटी।
दस नंबर खिलाड़ी रॉबिन मूथड़ी के राम से मशहूर ये खिलाड़ी। चार के डिफेंस में राजन परवार, बेहतरीन प्रयास और स्कोर धीरे धीरे बराबरी की तरफ जाता हुआ। पांच का डिफेंस, आठ नंबर खिलाड़ी और इन्होंने प्रदर्शन भी इतनी अच्छी नहीं लगी। बच्चों एक बार फिर एक्शन में है। तीन चार है भाई, स्कोर लिखा स्कोर अभी तीन चार, हल्का हल्का सा झुका हुआ है। बेहतरीन पकड़ की है और स्कोर हो गया है बराबर। चार का डिफेंस लेकिन धराशाही किया है विपिन को। ललित बार बार यही प्रयास करते हैं और कामयाब होते हैं प्रयास में। पांच का डिफेंस, पांच पॉइंट लखावटी का स्कोर। आशु भाई मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार वितरण में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी आवश्यकता है। आयुष है आठ नंबर खिलाड़ी, समय काटते हैं। ग्यारह नंबर खिलाड़ी, स्कोर अभी भी चार पांच फेवर इन लखावटी। भाई इस टूर्नामेंट में ललित कुलेरी की इंटरनेशनल टीम हार गई थी, अगले वर्ष वो 51,000 रुपए जीतेगी यहाँ से 2023 में, क्योंकि कई देशों में घूम के आ जाएगा जब तक फेवर बन जाएगा 2023 में, 30 में नहीं। कॉर्नर को क्या भार किया है, कॉन्फिडेंस लग रहे हैं लेकिन पॉइंट क्या मिलेगा। और भार किया है 9 नंबर को, डू नॉट लिव दी लाइफ इन योर लाइफ, अपने जीवन में झूठ का इस्तेमाल ना करें। इस बार भार किया है और भार भी किसे किया है, मेन खिलाड़ी ललित को। के साथ स्कोर बढ़कर आयुष एक बार फिर आठ नंबर खिलाड़ी है, पांच छह स्कोर भाई, सेमीफाइनल जैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही चलता हुआ। फिर बाद में लोहा काटना पड़ेगा ना तो जरूरत पड़ेगी उनकी। पांच का डिफेंस, राजन थाई पर जरूर गए थे और काम करते हैं लगातार, यह ये प्रयास करते हैं और कामयाब भी होता है प्रयास, लेकिन यहाँ सफल होता हुआ। अभी की बुलंदी पर नहीं पहुंच पाता, जल्दी का काम शैतान का होता है, सोच समझ कर परिपक्वता और मैच्योरिटी के साथ। बढ़िया भाई दावेदार तो बहुत बढ़िया है, रेडर स्वीकार किया है जाने रेफरियों के रॉबिन ने बाहर, यस टाइम आउट दिया है। स्कोर की बात करें तो स्कोर 6-7 और बेहतरीन मुकाबला सेमीफाइनल का मुकाबला। प्रतिज्ञा कर ली जीतेंगे तो झूठ बोल के जीतेंगे। बिल्कुल भाई, जिसे मकड़ी जाल में फंसी रहती है ना, दर्शक ऐसे इस रस्सियों के जाल में फंसे हुए हैं भाई। और दर्शक देखो ऊपर बैठे हुए हैं भाई। लखावटी एक पॉइंट की लीड के साथ 7 पर है और 6 पॉइंट है। क्या बेहतरीन प्रयास है, स्कोर 8-6। आयुष कमाल करता हुआ और चलता हुआ यहाँ पर।
ऋतिक एक्शन में। भाई बहुत ही बढ़िया भाई, दर्शकों ने करीब 9:30 मिनट के आसपास का समय बीत चुका है। इस मुकाबले में बात की जाए तो हाजिरी दी थी और आज भी कंटिन्यू लगातार बैठे हुए हैं। छोटे पौधे के लिए खाना वाना खाने गए होंगे, नहीं तो फिर इन्होंने टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने में जो अहम योगदान दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। कल में मेरा कार्यक्रम बागपत में है, आज है, माफ कीजिए क्योंकि तारीख बदल गई। ये बेहतरीन टाइम आज है, लगभग 12 बजे के करीब से स्कोर फिर धीरे धीरे बराबरी की तरफ जाता हुआ कल फाइनल होगा। देर रात 7-8 स्कोर मिल रहा, 7-8 स्कोर है और 1 पॉइंट की लीड अभी भी लखावटी की बरकरार है। 5 का डिफेंस, बहुत लंबे किक लगाने का प्रयास है पर हेल्पर को किक नहीं लगी। वहां पर वो ललित कुमार थे जो गुजरात फॉर्च्यून टीम ने इससे पहले सीजन में जो अभी समाप्त हुआ है उससे पहले सीजन में शिरकत कर चुके हैं। प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, स्पीड बेहतरीन है खिलाड़ी की। स्कोर अभी भी 7-8 के पास ही स्थित लखावटी से कुछ किलोमीटर दूर कोंडो गांव है, एक बुलंदशहर में। वहां पर प्रतियोगिता, वहां पर भी 31,000 का इनाम है। मेरा कार्यक्रम वहां पर भी है, 4 तारीख से शायद वो प्रतियोगिता है, 4 से 6 तक। और बहुत राठी ने कल होल्ड किया और धीरे धीरे 1 पॉइंट और छिड़ी के ऊपर ही धार लगानी पड़ेगी दोबारा। लीड बढ़ती हुई, स्कोर 9 लखावटी और 7-13। क्या बेहतरीन प्रदर्शन है, यह किया है कॉर्नर को बाहर, प्रभावित किया, टच किया और अंक लेकर के गए। अर्जुन 11 नंबर खिलाड़ी, हाँ वापसी आने की इन्हें भी उम्मीद है। 11 नंबर में अर्जुन देखने को मिलते हैं, अर्जुन देसवाल। सुपर टैकल का मौका है, 10-7 इन फेवर ऑफ लखावटी, 10-7 स्कोर इन फेवर ऑफ लखावटी। सुपर टैकल ऑन था और 2 पॉइंट मिले। छेनी ने इस मुकाबले में वो काम नहीं दिखा पाया है अभी तक, विपिन नाम इस खिलाड़ी का, छेनी के नाम से मशहूर हुआ है और यह बेहतरीन डैश मिला है। अंक कितना जबरदस्त डैश, टाइम आउट लिया है और गेम चला है एक बार फिर स्टार्ट। ललित है एक्शन में, 3 का डिफेंस, सुपर टैकल एडवांटेज है 2 अंकों का और एडवांटेज ये भी है कि ऑल आउट देने का। पूरब दिशा में पक्का मनीष बेकार बना करो राजन, 11 नंबर खिलाड़ी, लक्सर से बिलोंग करते हैं और देहरादून की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी युवा कबड्डी सीरीज खेल कर आए हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इस मैच में दोनों टीमें फोक फोक कर कदम रख रही हैं। वजह ये है कि फाइनल में तो पहुंचने का गौरव इन्हें प्राप्त होगा ही, साथ ही 2022 में सुनहरे अक्षरों से इतिहास रखने का मौका मिलेगा और साथ ही 15,000 रुपए भी पक्के होंगे इस मैच की जीत से। फाइनल मैच की जीत से तो 31,000 पक्के होंगे, उससे कम से कम 15,000 तो 100% पक्के हो जाएंगे। देखते हैं इस मकाम तक पहुंचने में कौन सी टीम कामयाब होगी, कौन सी नाकाम होगी।
स्कोर 11-9 फेवर इन लखावटी। और 11 नंबर खिलाड़ी राजन और रेड में टाइम आउट लिया है लखावटी ने। थर्ड रेड टू डाई रेड है, सुपर टैकल का मौका, सुपर टैकल ऑन है। बहुत बढ़िया, यहाँ से अब वापसी करनी पड़ेगी जरूर। और बढ़िया मौका है, इस बार टैकल कर लिया है, सुपर टैकल मिला है, बेहतरीन सुपर टैकल। और स्कोर हो गया है बराबर 11-11। राजन के लिए इम्तिहान मुश्किल रेड, इधर से भी थर्ड रेड, इधर भी डू ऑर डाई। छह गाड़े फैंस, सुपर टैकल हुआ था बेहतरीन, यहाँ बोनस ऑन है। ये कमाल है ललित का, जो थाई पर जाते हैं बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। ये राजन को किया है बाहर, बच्चू 8 नंबर खिलाड़ी, टू अढ़ाई पर चलता हुआ मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला हो चला है। एक पॉइंट की लीड जरूर है और अंतिम छड़ चलते हुए मध्यांतर के, बेहतरीन मुकाबला, सुपर टैकल ऑन। क्या एक बार फिर सुपर टैकल देखने को मिलेगा, इस बार बच्चू हैं। कितने का है टाइम तो हुआ साल और टाइम दो बीच में कितना होगा। मध्यांतर हो चला है और स्कोर की बात की जाए तो 11-12 स्कोर है, एक पॉइंट की लीड अभी भी लखावटी के पास है। और एडवांटेज ये है ऑल आउट देने का। भाई दर्शक देख सकते हैं आप, डॉक्टर साहब कुल्हेड़ी के हैं भाई, ये पता ना भैंसों के एजेंट आदमिन के, अच्छा आदमिन के डॉक्टर साहब है भाई। भाई मध्यांतर के बाद गेम एक बार फिर स्टार्ट होता है, सुपर टैकल का मौका है, बच्चू एक्शन में है और 8 नंबर खिलाड़ी, तीन गाड़े फैंस, क्या बनेगा सुपर टैकल। तीन नंबर खिलाड़ी रवि एक्शन में है, भाई टूर्नामेंट का हिस्सा, दो मैच और है इसके बाद, और दो मैचों के बाद सभी दर्शक जो बाहर से दूर दूर से आए हुए हैं अपने घर जाएंगे और यहाँ की सुनहरी यादें अपने साथ लेके जाएंगे। रवि बेहतरीन खिलाड़ी और स्कोर हुआ है बराबर, दो पॉइंट मिले हैं और इन दो पॉइंटों के साथ टीम और मजबूत स्थिति में होगी। उसने गलत लगा दिए पॉइंट, उसने गलत पॉइंट लगा दिए। अच्छा अब लीड दो की होगी, दो पॉइंट की लीड हो चली है अभी कहीं। अब जो ऑल आउट का खतरा था, जो मंडरा रहा था एसडी एकेडमी पर, अब वो खतरा मंडरा था हुआ। बच्चू एक और पॉइंट और रवि को किया है बाहर, अभी तो फायदा ही है, एक पॉइंट की लीड है अभी, पर ये नुकसान कर लिया अपना कच्चा हाथ डाल के, एक पॉइंट की लीड अभी भी एसडी एकेडमी के पास। स्कोर की बात करें तो स्कोर 14-13। लखावटी की टीम एक पॉइंट से पीछे है अभी और जो भी टीम इस मकाम पर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस स्टेज पर बड़ी गलती कर देगी
उसे ही हर काम देखना पड़ेगा। और चार फिर एक्शन में है, 8 नंबर खिलाड़ी पहले जरूर कामयाब हुए थे, क्या इस बार भी कामयाब होंगे? वो दावेदारी पेश नहीं की थी, बस झिझ के दी थी, इस तरह का उन्होंने रूप दिखाया था अपना, जैसे कोई पॉइंट बना लिया हो। हकीकत में बाद में से सही रास्ते पर आ गए, बहुत ही बढ़िया, काफी दूर तक घुसने की कोशिश की, लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी है, प्रदर्शन भी बेहतरीन किया है। टाइम लिमिट समय सीमा समाप्त होने से पहले वापस आ गए। और दूसरा हाफ प्रगति पर, सेकेंड एंड लास्ट हाफ इन प्रोग्रेस ऑफ दिस फर्स्ट सेमीफाइनल, विनर टीम क्वालिफाई इन फाइनल, बट लूजर टीम कौन करेगा फाइनल का सफर तय यहां से टूर्नामेंट फॉर नेक्स्ट ईयर 2023। किसकी आनी है थर्ड पहले? क्या स्कोर बराबर होगा? कौन है शॉन? छह गाड़े फैंस ऋतिक एक्सर में अडो अडाई रेड, स्कोर अभी भी देहरादून एस डी अकेडमी एक पॉइंट की लीड में। ये है ललित का कमाल, और बार बार वहां पहुंचते हैं ललित जहां जरूरत होती है, और यहां जरूरत थी एक पॉइंट की लीड की, जो बराबरी की वो बिल्कुल बराबर होती हुई, स्कोर हो चला है 14-14 के बराबर। दर्शक ये स्टाफ भाई देख सकते हैं आप, और गेम एक और फिर स्टार्ट, बच्चू एक्शन में सुपर टैकल का मौका, कई सुपर टैकल देखने को मिले हैं इस मुकाबले में, और जो बार बार लोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इस बार जरूर होगा, एक खिलाड़ी बचा हुआ है। अब लीड 2 पॉइंट की लखावटी के पास, बोल तो सभी लेते हैं लेकिन माइक के सामने और वाइफ के सामने। 11 नंबर खिलाड़ी अर्जुन आए हैं अंदर, सब इंस्टीट्यूट किया है, लेकिन सही बोलना माइक के सामने और घरवाली के सामने, बहुत चुनौतीपूर्ण है भाई। दो पॉइंट ये दो, हाँ दबा के रखते थे, दो पॉइंट थे, दो आउट थे, 16 स्कोर हो गया। मौका बनाया था अंकित ने, और बेहतरीन प्रदर्शन, वो दो आउट हुए थे पहले 19-19। चौदह चौदह बराबर था ना, तीन आउट हो गए दो। देहरादून की टीम अब 8 नंबर खिलाड़ी, और स्कोर 14 अंक है देहरादून। अर्जुन लखावटी के 19 पॉइंटों, क्या बेहतरीन थाई होल्ड है, ये है राठी का कमाल, आप धीरे धीरे बढ़ते मजबूत होती हुई, एक समय स्कोर 14 बराबर था, और जो ऑल आउट मिला, जो लोना मिला, उससे बढ़कर स्कोर अब हो गया 20-14। 6 पॉइंट की लीड में लखावटी, सवा घंटे के करीब और चाहिए भाई, उसके बाद आप जा सकते हैं और सीधे फजर की नमाज के लिए वजू कर ले। और ऋतिक को किया है बाहर, किक लगाई है बेहतरीन, पहले ताजुद का वक्त है ये, और रॉबिन डुबकी लगाने का प्रयास था, और विवेक का बेहतरीन टैकल, एक और जबरदस्त, एसटी एकेडमी ने बिल्कुल एकदम सरेंडर सा कर दिया है, नरेटर चल रहे हैं, नाउ डिफेंस काम कर रहा है, एक समय स्कोर बराबर था, और अब धीरे धीरे लीड बढ़ती जा रही है। आयुष आए हैं एक और, ये बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन
अगर वापसी करनी है यहाँ से तो राजन को काम करना होगा, चलना होगा। जिस तरह का राजन ने क्वार्टर फाइनल में गेम दिखाया था वही गेम दिखाना होगा। बिल्कुल भाई, क्या बेहतरीन बचाव था, ये डुबकी लगाए। तीन पॉइंट सुपर रेड की थी, राजन ने बेहतरीन पल्टी लगाई थी और एक तरह से अपने आप को अंदर लिया और बेहतरीन डुबकी और तीन पॉइंट और कम करते हुए स्कोर की बात करें तो 23-17 स्कोर हो। रॉबिन एक बार फिर एक्शन में है, 10 नंबर खिलाड़ी लखावटी की तरफ से 6 का डिफेंस। मैंने बोला था अगर यहां से वापसी करनी है एसडी एकेडमी को चार का डिफेंस। अर्जुन, जब टीम वापसी करती है एसडी एकेडमी तो उसमें कम से कम 80% कंट्रीब्यूशन होता है राजन का और वही काम करता हुआ यहां राजन। 9 पॉइंट की लीड थी एक समय लखावटी के पास और जो सुपर रेड की थी उससे घटकर लीड 23-17 है, 6 पॉइंट की बची है। पक्ष में है लखावटी के, 6 पॉइंटों की बढ़त है, कोई ज्यादा नहीं है। बहुत लंबा खिलाड़ी रॉबिन लीड कवर करके जीता है दूसरे हाफ के अंत में 5 मिनट में। और बिल्कुल यहां बाहर किया है विपिन को, लेफ्ट इन को बाहर किया है ऋतिक, 5 का डिफेंस। क्या भेज पाएंगे इस डिफेंस को, अगर बात की जाए एक या दो थाई पर जरूर गए थे ललित, लेकिन यहां काम नहीं किया, पेस नहीं गई यहां और पेस गई यहां ऋतिक की। स्कोर 19-24 पॉइंटों की बढ़त है लखावटी की, जीतने वाली टीम करीब 5 मिनट के आसपास का समय से इस मुकाबले में शीर्ष पर पहुंच जाएगी, बोनस का प्रयास जरूर किया है, टूर्नामेंट के आखिरी मैच में पहुंच जाएगी। सब्स्टिट्यूट 5 मिनट में, लास्ट 5 मिनट का समय शेष, सुपर टैकल का मौका ऋतिक एक्शन में। अगर यहां से वापसी करनी है तो एक लोना देना होगा लखावटी को, 3 का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन। रॉबिन 7 के डिफेंस में, बता रहे थे कि जो जिम्मेदारी है बहुत है, 10 नंबर खिलाड़ी लंबा खिलाड़ी बेहतरीन, लेकिन अंदर गया था और जो मौका था वो अब बनता हुआ एक बार फिर। समय कम है और काम ज्यादा है, 20-24 4 पॉइंट की लीड, अगर यहां से ऑल आउट मिलता है तो लीड हो जाएगी बराबर। लास्ट 4 मिनट का समय शेष, खिलाड़ी कम है लखावटी के पास और सुपर टैकल मिलता है, राजन तैयार है, राजन बहुत ही समझदार है, किसी का नहीं लगा, राजन ने अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। बच्चू एक बार फिर एक्शन में है, लास्ट और अंतिम छड़ चलते हुए इस मुकाबले के, कौन करेगा फाइनल का सफर यहां से तय। और एक बार फिर विपिन को बाहर किया है, लॉबी में गए हैं अंतिम छड़ चलते हुए और टाइम आउट मांगा है, टाइम आउट भी मिला है। 25-20 स्कोर, 5 पॉइंट की लीड लखावटी के पास, ये मौका है दोनों टीमों के पास, डुअल टाई रेड है लखावटी, अगर यहां टैकल करता है तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे और फिर लीड और बढ़ जाएगी अंतिम छड़ चलते हुए। और अगर यहां ऋतिक कामयाब होते हैं
बात बता रखा हूँ, पहले बताया दोनों तरफ डाई रेड है, सुपर टैकल ऑन भी है और मैन डिफेंडर है के पास। अगर ये कैश करके जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी को तो निश्चित तौर पर पल्ला भारी होगा। सुपर टैकल किया है, मौका दोनों टीमों के पास था, बेहतरीन सुपर टैकल। मैंने बोला था जो टीम यहाँ इस रेड में बाजी मारेगी वही गेम में बाजी मारेगी। क्या बाजी मारेगी लखावटी? अंतिम करीब दो मिनट के आसपास का समय शेष इस मुकाबले का। सत्ताईस बीस स्कोर, 7 पॉइंट की लीड लेने की बजाय लिए जाते दो पॉइंट तो मामला बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता। जो मौका बना था दो खिलाड़ी बचे थे, 22 और 25 हो जाते, लेकिन बच्चू ने एक बार फिर वही प्रदर्शन दोहराया यहाँ पर जो लेबर हेडी में दोहराया था सेमीफाइनल में। अगली टीम दोनों तैयार है, डीके एकेडमी और बिजनौर। राजन क्या एक बार फिर सुपर एड करेंगे, 4 का डिफेंस। राजन तैयार है, 2 मिनट का समय शेष। ये अंक इतनी बेहतरीन बच्चू एक बार लगातार वही प्रदर्शन करते हुए जो सेमीफाइनल में लखावटी के सामने किया था। फाइनल में यहाँ लखावटी की तरफ से लखावटी के लिए काम कर पड़े उसके लिए भी तैयार है। 4 का डिफेंस, करीब 1.5 मिनट के आसपास का समय शेष। बिल्कुल चैन जुड़ती हुई यहाँ पर और एक और पॉइंट, हंसी मजाक चलती हुई। एक ही है ना। ऐसा लग रहा है लखावटी फाइनल की पहली टीम मिल गई हमें। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम, एक और टैकल। और स्कोर की बात करें तो 30-20 स्कोर हो चला है। 30-20 लास्ट 1 मिनट का समय शेष, 1 मिनट बची है मैच की समाप्ति, लास्ट 1 मिनट टू गो। सुपर टैकल ऑन एंड ऑफ दिस मैच एंड 99% अपॉर्चुनिटी एंड वेरी बैटी प्रदर्शन दोनों की एडवांटेज इन फेवर ऑफ, अगर बात की जाए तो। एक और पॉइंट, लास्ट खिलाड़ी रवि बचे हुए हैं और मैच हुआ है यहाँ पर समाप्त। पहली टीम मिली है लखावटी बुलंदशहर कुल्हेड़ी कबड्डी टूर्नामेंट चरथावल की। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम लखावटी। स्कोर की बात की जाए तो 31-20 स्कोर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।